जय स्वामीनारायण विद्यार्थी मित्रों, श्री स्वामीनारायण विद्यासागर ऑनलाइन अभ्यास में आज सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 7 का हिंदी पढ़ने वाले हैं। कक्षा 7 के हिंदी में आज हम एकम 5 हिंद देश के निवासी काव्य है, उसका अभ्यास आज हम करने वाले हैं। बच्चों, हिंद यानी कि हिंदुस्तान, भारत हमारा देश, और निवासी यानी कि रहने वाले, हिंदुस्तान में रहने वाले यानी कि भारत देश में रहने वाले लोगों की बात इस कविता में बताई गई है। बच्चों, भारत एक ऐसा देश है जहाँ सबसे पहले सभ्यता का उदय हुआ था। भारत देश कई धर्म ग्रंथ भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि महाभारत, रामायण, भगवद गीता जैसे अन्य धर्म पुस्तक है, धर्म ग्रंथ है, वो हमें भारत में देखने को मिलते हैं। यहाँ कई महापुरुषों ने जन्म लिया था, कई ऋषि मुनियों ने यहाँ तप किए थे, इसलिए भारत को तपोभूमि भी कहा जाता है। बच्चों, आज हम हिंद देश के निवासी काव्य पढ़ने वाले हैं, उसमें कवि है वो बताते हैं कि हिंद देश में अनेक भाषा, बोली, पहले रूप, रंग, जाति, धर्म के लोग एक साथ हिल मिलकर रहते हैं। यानी कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ विविधता में एकता हमें देखने को मिलती है। तो बच्चों, पहले हम काव्य है उसका गान करेंगे। आज अपने घरों मेरे साथ इस काव्य का गान करो और ध्यान से सुनो। काव्य का गान करेंगे। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप भेद भाषा चाहे अनेक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप भेद भाषा चाहे अनेक है। बेला गुलाब जूहे चंपा चमेली, बेला गुलाब जूहे चंपा चमेली, प्यार प्यार फूल दूहे माला मेघ है। प्यार प्यार फूल दूहे माला मेघ है। कोयल की कूक प्यारी, पपीहे की तेरे प्यारी, कोयल की कूक न्यारी, पपीहे की तेरे प्यारी, गा रही तराना बुलबुल राग मगर एक है। गा रही तराना बुलबुल राग मगर एक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप भेद भाषा चाहे अनेक है। गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्ण कावेरी, गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्ण कावेरी, जाके मिल गई सागर में हुई सब एक है। जाके मिल गई सागर में कोई सब एक है। धर्म है अनेक जिनका सार वही है, धर्म है अनेक जिनका सार वही है। पंथ है निहारे सबकी मंजिल तो एक है, पंथ है निहारे सबकी मंजिल तो एक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप भेद भाषा चाहे अनेक है। रंग रूप भेद भाषा चाहे अनेक है। बच्चों, आपने कविता सुनी, अच्छी लगी ना? अब हम इस कविता की संस्कृति लेंगे। विविधता में एकता हमारे देश की
विशेषता विविधता यानी अलग अलग जाति अलग अलग धर्म अलग अलग बोली अलग अलग भाषा होने के बावजूद भी सब एक साथ रहते हैं। भारत देश में अलग अलग धर्म के लोग अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। इसलिए बताया गया है कि विविधता में एकता हमारे देश की विशेषता है, साथ ही विकास और शक्ति परिचय भी है। मानवीय एवं प्राकृतिक विविधताएं होने पर भी उसमें अभिन्न एक सूत्रता है। विभिन्न दृष्टांतों द्वारा इस काव्य में भारत की भव्यता एवं दिव्यता का गान किया गया है। बच्चों, फूलों के द्वारा, रंग रूप भाषा के द्वारा और नदियों के द्वारा हमें अलग अलग दृष्टांत के द्वारा इस काव्य में भारत देश की भव्यता और दिव्यता के बारे में बताया गया है। तो अब हम काव्य का अभ्यास करेंगे। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है। हिंद यानी कि हिंदुस्तान, हमारा भारत देश। निवासी यानी कि भारत देश में रहने वाले। जन यानी कि लोग। भारत देश में रहने वाले सभी जन सभी लोग एक है। रंग रूप वेश भाषा चाहे रंग यानी कि कोई गोरा है तो कोई काला है। रूप कोई अच्छा दिखने वाला है तो कोई बुरा दिखने वाला है। वेश यानी कि पहरे हमारे कपड़े, सबके अलग अलग कपड़े होते हैं। बंगाली अपनी स्टाइल में कपड़े पहनते हैं, गुजराती अपने तरीके से कपड़े पहनते हैं। इसलिए बताया गया है कि रंग रूप वेश वेश यानी कि पहरवे जो हम पहनावा पहनते हैं वो। भाषा यानी कि कोई गुजराती बोलता है, कोई मराठी, कोई हिंदी, कोई इंग्लिश, कोई उर्दू तो कोई फारसी। इस तरह भारत देश है उनमें विविधता में एकता देखने में मिलती है। भारत देश में अलग भाषा बोली जाती है, अलग धर्म के लोग होते हैं, अलग अलग रंग और रूप अलग अलग पहरवे उन्हें देखने को मिलते हैं। बेला की लाल छुई चंपा चमेली। बच्चे, बेला यानी कि मोगरा। मोगरे का फूल को आपने देखा ही होगा, कितनी अच्छी खुशबू आती है। बेला की लाल छुई चंपा चमेली, प्यारे प्यारे फूल गुथे माला। ये सब फूल है बेला, गुलाब, चुई और चंपा। अलग अलग रंग के होते हैं, अलग अलग खुशबू देने वाले होते हैं। मगर जब इन सभी फूलों एक धागों में पिरो के एक माला बनाई जाती है तब ये सारे के सारे फूल एक माला के रूप में हमें देखने को मिलते हैं। कोयल की कुकियां हैं, पपीहे की टेर प्यार, गा रही तराना बुलबुल, राग मगर एक। बच्चों, कोयल की कुक यानी कि कोयल की आवाज, पपीहे की टेर यानी पपीहा यानी कि एक पक्षी का नाम है, उसकी पुकार को टेर कहा जाता है। गा रही तराना बुलबुल, राग मगर एक। बुलबुल जो गीत गाती है, सब पक्षी अलग अलग है, कोयल, पपीता, पपीहा और बुलबुल, मगर सबका राग है वो एक देखने को मिलता है। इसी तरह भारत देश के निवासी यानी कि भारत देश में अलग अलग बोली बोलने वाले लोग रहते हैं, मगर सबकी आवाज है वो एक देखने को मिलती है। गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी, जाके मिल गई सागर में कोई सब रहते। बच्चों, यहाँ पर गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा और कावेरी भारत देश की प्रसिद्ध नदियों के नाम हमें बताए गए और इसके द्वारा हमें बताया है कि गंगा, यमुना, कृष्णा और कावेरी अलग अलग नदी अलग अलग नाम की नदी होने पर भी जब वह सागर में मिल जाती है तो वह एक कहलाती है। बच्चों, सागर में गंगा का पानी, यमुना का पानी, कृष्णा या कावेरी नदी का पानी मिल जाए तो हम बता नहीं सकते कि कौन सी नदी का पानी कौन सा है, क्योंकि नदी के पानी में कोई रंग रूप हमें दिखाई नहीं देते। धर्म है अनेक जिनका सार है। भारत देश में कोई हिंदू धर्म का लोग है, कोई सिख धर्म का, कोई ईसाई धर्म का, कोई मुसलमान धर्म का, यानी धर्म है अनेक जिनका
सार बनी है। धर्म अलग अलग है, कोई हिंदू धर्म को महत्व देता है, कोई मुस्लिम धर्म, मगर सभी धर्मों का सार, सभी धर्म का उद्देश्य एक ही हमें दिखाई देता है। पंथ है निराले सबके, मंजिल तो एक है। पंथ यानी कि संप्रदाय, सबका संप्रदाय है वह निराला यानी कि अनोखा है, अलग है, मगर सबकी मंजिल यानी कि सबका लक्ष्य, सबका ध्येय है वो हमें एक नजर आता है। बच्चों इस काव्य में अलग अलग धर्म की बात की गई है और नदी पुल के द्वारा हमें बताया गया है कि अलग अलग धर्म, अलग अलग धर्म ग्रंथ, जैसे कि मुसलमान है उसका पुराण धर्म ग्रंथ है और हिंदू है उसका भगवद गीता, इसी तरह अलग अलग धर्म के अलग अलग धर्म ग्रंथ होने के बावजूद भी सबकी मंजिल यानी कि सबका लक्ष्य एक ही है, तो कि भारत का विकास करना, भारत की उन्नति करना, यही हमारे सभी धर्म का सार बताता है। बच्चों इस काव्य में हमने पढ़ा, यहाँ काव्य तो पूर्ण हो जाता है मगर इस काव्य में हमें विविधता में एकता की बात है वो देखने को मिलती है। कवि है उसने फूलों के द्वारा, नदियों के द्वारा, भाषा के द्वारा हमें बताया है कि अलग अलग लोग होने के बावजूद भी सब मिलकर रहते हैं और विविधता में एकता जो कि सबसे अच्छी बात है वो हमें यहाँ देखने को मिलती है। जय स्वामी नारायण।